हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी जिसको हम लोग शीत पित्ती बोलते हैं, दूसरे भाषा में इसको अर्टिकेरिया भी बोलते हैं, उसके बाद तीसरे भाषा में इसको हाइप्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि शरीर में के स्किन पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, या अगर आप ऐसे धारी भी बनाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर क्या होती है, इससे धारियाँ भी बनने लगती हैं। तो इसका कारण क्या होता है, ये देखिए, मैंने इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाएं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस दवाओं के लगातार उपचार से आप परमानेंट इस हाइप से, अर्टिकेरिया या सूखी खुजली जिसको कहते हैं गांव की भाषा में, इससे पूरी तरीके से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको क्या लेना होगा, ये परमेथ्रिन लोशन, क्योंकि एक प्रकार के कई लोगों में कई कंडीशन के कारण जो है इस प्रकार की बीमारी होता है। कुछ लोगों में क्या होता है, एलर्जेंस के कारण, जैसे बहुत सारे एंटीबायोटिक जो लोग खाते हैं, कुछ दवाओं के रिएक्शन हो जाते हैं, उसके कारण भी शरीर में छोटे छोटे दाने निकलते हैं या लंबे लंबे पैचेस निकलने लगते हैं और बहुत सारी खुजली होती है। कुछ समय बाद वो दाने खुद ब खुद खत्म भी हो जाते हैं, एलर्जी खत्म हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बड़े बड़े दाने, जैसे लगता है कि कहाँ का कौन सा पार्ट ऐसे सूजन सा आ गया, फूल सा गया, 10 मिनट बाद वो सही भी हो जाता है। उस कंडीशन में लोग परमानेंट एक अच्छा सही इलाज नहीं देख पाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके लिए। ये देखिए, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड या सिट्रीमाइड का एक लोशन आता है और एक दूसरा लोशन आता है परमेथ्रिन का लोशन। देखिए परमेथ्रिन का लोशन, इसका एक क्रीम भी आता है परमेथ्रिन का क्रीम, और चौथा देखिए परमेथ्रिन का क्या होता है, साबुन भी आता है। तो आप करेंगे क्या, अगर आपको जो है पैरासाइट का इन्फेक्शन है या शीत पित्ती की समस्या है, छोटे छोटे आपके शरीर में दाने निकल रहे हैं, तो सबसे अच्छा इसका यही ट्रीटमेंट है कि आप जो है ये लोशन ले लीजिए, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड सिट्रीमाइड का, और परमेथ्रिन का ये क्रीम ले लीजिए। देखिए परमेथ्रिन का जो है ये क्रीम है, ये क्रीम ले लीजिए, रात के समय ये लोशन थोड़ा सा निकालिए और ये क्रीम थोड़ा सा निकालिए, दोनों को हाथों में खूब मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद पूरे शरीर पे रात के समय आप इसको लगा लीजिए और सुबह नहा लीजिए, फिर रात में ही आप काम कीजिए। ऐसे 5-6 दिन रातों में लगातार ये दोनों मिक्स करके देखिए, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड ले आइए या फिर इसके क्रीम को ले। अगर क्रीम आपको नहीं मिल पा रहा तो ये दोनों लोशन फॉर्म में मिलता है, इसका भी फिर लोशन के नाम से आता है देखिए, और ये भी एक प्रकार का गामा टर्म लोशन के नाम से आता है। ये दोनों लेके आप मिक्स करके और रात में पूरे शरीर में लगाइए। नहाने के लिए आप इसके साबुन का इस्तेमाल करिए, देखिए परमेथ्रिन का साबुन आता है। और खाने के लिए आप लीवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड या एलसीजेट जो नाम से आता है, इसको आप 3 टाइम खाएंगे। एक आता है मेड्राल मेथिलप्रेडनिसोलोन 8 mg का, इसको जो है आप 1 टाइम केवल खाना है। मैं फिर से बता दूं, लीवोसिट्रिजिन आपको 3 टाइम खाना है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम कम है तो 2 टाइम खाइए लीवोसिट्रिजिन को। मेड्राल मेथिलप्रेडनिसोलोन को आपको 1 टाइम खाना है सुबह के समय नाश्ता करने के बाद। और एक आता है बैंडी प्लस टेबलेट जो है, इसमें एल्बेंडाजोल और आइबरमेक्टिन, क्योंकि आइबरमेक्टिन का बहुत अच्छा रोल होता है, ये 1 हफ्ते में 1 ही गोली खाई जाती है, याद रखिएगा आइबरमेक्टिन का बहुत ही अच्छा रोल होता है, ये 1 हफ्ते में केवल 1 वीक में 1 ही गोली खाई जाती है, क्योंकि ये जो क्या होता है, स्किन के ऊपर पैरासाइट होते हैं उन पैरासाइट को खत्म करता है। तो इसका बहुत ही शानदार डोज होता है, बैंडी प्लस नाम से आता है, ये दवा आप ले आइए। इसको जो है 1 गोली आप आज खाइए, जैसे जिस दिन आप लाने उस दिन खाएं, उसके अगले दिन भी 1 गोली खा लें, फिर 1 हफ्ते बाद 1 गोली खाएं। ऐसे आप लगातार इस ट्रीटमेंट को कम से कम 20 से 25 दिन कीजिए, आपके दवा के कारण अगर एलर्जी है आपको वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो है, अगर किसी भी कारण से जो है शीत पित्ती की समस्या आ रही है, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम आ रही है, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम अपने आप से खत्म हो जाएगी। अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।